हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। ऑल रेजिस्टेंसेस इन द फिगर आर 1 ओम ईच। द वैल्यू ऑफ करंट आई इज ए बाई 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ ए इज, और ये फिगर दे रखा। देखो ये वाला सर्किट, इतना जो ये फिगर है, इतना वाला ये और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो केवल इसका एक टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, फिर सेम इस बराबर कर दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन समय बचेगा, ठीक है। तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पहले आप। तो इसको देखो मैं यहां बना लेता हूं, ए रेजिस्टेंस है एक, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक नीचे रेजिस्टेंस है, फिर इसको दो पार्ट में तोड़ा है, अगेन ऐसे, और फिर इसको भी ऐसे ही तोड़ा है, और ये एक पॉइंट है, ये यहां पे मिला दिए जाके। देखो पहले एक बात समझ लो कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो एक शॉर्टकट कर लो पहले इसका, आर डैश बराबर आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू। अगर ये रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इक्वल हैं, तो आर इंटू आर, ये वन अपॉन आर डैश इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू से कराएं। दो के लिए सही होता है, तीन के लिए उसी से करना होगा। ओवर टू आर इसे कट गया, तो आर बाई टू आया। तो अगर कभी भी आप पैरेलल में करते हो, दो एक जैसे रेजिस्टेंस होते हैं, इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं और पैरेलल में हैं, तो उनका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हाफ हो जाता है भाई, आधा हो जाता है। जैसे मैंने आर वन, इसका भी आर माना, इसका भी आर माना, पैरेलल में किया, दोनों एक जैसे थे, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आया दोनों का आर बाई टू, आधा हो गया। बस इतना ही ध्यान रखो। करिए अब ये एक ओम है, ये एक ओम है, तो इन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस 1/2 ओम हो जाएगा। ऐसे इसका भी एक ओम है, इसका भी एक ओम है, तो 1/2 ही हो जाएगा। अब 1/2 और ये वन, ये इसका एक कर लोगे तो ये और ये सीरीज में होगा, तो 3/2 हो जाएगा। दैट मीन्स देखो ऐसे, ये आपका 1 ओम हो गया, और ये वाला जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने पैरेलल, तो आधा हो जाता है, मैंने जैसे कहा अगर एक जैसे हों तो 1/2 ओम, और फिर ये वाला भी आपका 1/2 ओम, ठीक है, ऐसे, और कुछ इस तरह से हो गया, है ना। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों सीरीज में, सीरीज में ऐड कर लो 1 प्लस 1/2, ये सीरीज में हो गया तो 3/2 हो गया, तो इसका भी 3/2, इसका भी 3/2, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और देखो ये 3/2, ये 3/2 पैरेलल में होगा, और 3/2 का एक जैसे हैं, तो 3/2 का आधा कर लो, तो 3/4, तो ये हो गया 3/4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और ये भाई इन दोनों का एक कर दोगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये आएगा और ये आएगा ऐसे, ये तो एक ओम है, इन दोनों का सीरीज कर लिया जो 3/2 हो गया, और ये भी 3/2 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 3/2 3/2 एक जैसे है ना, और पैरेलल में भी हैं, एक जैसे हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो इसका आधा आ जाता है, तो 3/4 आधा कर लिया, तो ये 3/4 हो गया। अब देखो ये वाला इन दोनों का 3/4 हो गया। अब ये और ये अगेन सीरीज में है, तो सीरीज में, तो इन दो इसका पूरे ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया 3/4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 एलसीएम लिया, 4 3 7 7/4। तो देखो इसका 7/4 हो गया और इसका भी 7/4 होगा, इस वाले का एक जैसे हैं बिल्कुल, तो 7/4 और 7/4 दोनों फिर अगेन पैरेलल में होंगे, उस तरह इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ये को ये वाला बनाया मैंने, ये वाला, ये एक ओम, और ये पूरा आया 7/4 ओम, और ये वाला भी नीचे वाला 7/4 ओम, 7/4, और ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, इस तरह से सर्किट डायग्राम बन गया। ये वाला 1 ओम, ये पूरा 7/4 आ गया, ये वाला भी 7/4 आ गया, ये दोनों पैरेलल में है, तो कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बन जाएगा। अब देखो ये दोनों पैरेलल में और एक जैसे हैं, तो 7/4 का आधा हो जाएगा, तो 1 ओम ये हो गया, और इसका आधा कर लें तो 7/8 ओम, और ये कुछ इस तरह से, ये 3 वोल्ट की बैटरी। अब ये देखो ये दोनों सीरीज में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया आपका 1 प्लस 7/8, 8 एलसीएम ले लें, तो 8 प्लस 7/8, दैट मीन्स 15/8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर जो है 15/8 है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो करंट पूछ रहा है हमसे आई, ये वाली करंट पूछ रहा है, देखो ये वाली आई,
आई कितना है, तो आई की वैल्यू अगर हम चेक करें तो आई बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लें, क्योंकि आपका यहाँ टोटल करंट निकालने हम, ये टोटल करंट है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने 15/8, तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 है और टोटल रेजिस्टेंस 15/8, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से काट दो 5 बार, तो आई बराबर आ गया आपका 8/5 एम्पियर। अब आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवेन है कि आई a/5 एम्पियर है, तो आई की वैल्यू पुट कर दो a/5 डिवाइड और इक्वल टू 8/5, 5 से 5 के आंसर, देन a बराबर 8, तो a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू पूछ रहा है तो वो होगी 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।